दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। दरअसल इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के सरवटे बस स्टैंड पर देर रात निगम कर्मी और एमजीएम मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के बीच विवाद हो गया था। घटना को लेकर डीसीपी मनीष अग्रवाल ने बताया कि रविवार रात्रि 2 बजे के करीब उन्हें सफाई कर्मचारियों से सूचना मिली कि कुछ एमजीएम कॉलेज के कुछ छात्र अपना जन्मदिन मनाने सरवटे बस स्टैंड पर बीच रोड पर मना रहे हैं और वह एक दूसरे पर केक फेंक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। जहां पर सफाई कर्मचारियों द्वारा जब मना किया गया तो पहले तो निगम कर्मचारी और छात्रों ने पहले विवाद किया, जिसके थोड़ी ही देर बाद छात्रों द्वारा अपने अन्य साथियों को बुलाया गया और नगर निगम कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी। जहां पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद पुलिस द्वारा नगर निगम कर्मचारियों की शिकायत पर घायल निगम कर्मियों का मेडिकल करवाकर 3 मेडिकल छात्रों पर मामला दर्ज कर हिरासत में लिया गया है। सर, एक छात्रों और सफाई कर्मियों के बीच में एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, सर क्या है? देखिए, थाना छोटी ग्वालटोली का मामला है। रात को 1 से 1.5 बजे के बीच में मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जो फर्स्ट ईयर के भी हैं, उसमें सेकंड ईयर भी शामिल हैं। ये गुरु कृपा है बस स्टैंड के सामने, ये खाना खाने आए थे और गुरु कृपा के यहाँ सेलिब्रेट करने का इनका उद्देश्य था। तो गुरु कृपा जो होटल है उसने मना किया कि यहाँ सेलिब्रेट मत करिए, तो ये बस स्टैंड के गेट के सामने सेलिब्रेट करने लगे और केक जो है बर्थडे केक को फेंक रहे थे, फेंका फेंकी करने लगे, जिस पर से नगर निगम के कर्मचारी ने रोका कि ये बस स्टैंड पर जन्मदिन मनाने का कोई जगह नहीं है और आप इस तरह से केक को फेंक कर गंदगी मत फैलाइए। तो उस पर से जो नगर निगम के जितने कर्मचारी जिन्होंने रोका, तो उन्होंने छात्रों ने उनकी मारपीट करी। हालांकि ज़्यादा चोटें नहीं हैं, 4-5 लोगों को मेडिकल करा लिए हैं। उनमें से जो जिन लड़कों ने घटना घटी करी है ऐसी, तो उन तीनों को हिरासत में ले लिया पुलिस ने। ये मेडिकल स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के दोनों के स्टूडेंट हैं, एमजीएम कॉलेज संयुक्तगंज में है। ये करीब 1.5 से 2 के बीच में घटना है। मेडिकल स्टूडेंट और कौन सी धाराओं में केस है? ये 294, 506, 323 सिंपल मारपीट का है। सर, निगम कर्मचारी के ऊपर भी कोई केस दर्ज किया गया है क्या? नहीं, अभी तक नहीं किया गया है। जो उद्देश्य था इन्हीं का गलत था, मेडिकल स्टूडेंट वालों का, इसलिए अभी फिलहाल इनकी तरफ से कार्रवाई की। घायल हुए बहुत संख्या में, कोई ऐसा घायल नहीं है, लेकिन माइनर इंजरीज है, जिस पर से उनका मेडिकल भी करा लिया और सब लोग आउट ऑफ डेंजर है। ना सामने आई है सर, पति से संपर्क, एमजीएम मेडिकल कॉलेज टीम से संपर्क करके कुछ इस मामले में, क्योंकि आए दिन होता रहता है, पर फिर यह मामला, देखिए ये रिपोर्ट जो है उनको भेज दी जाएगी थाना प्रभारी के माध्यम से और जो क्या एक्शन लेते हैं वो हमें अवगत कराएंगे।